सिर है उसको फैलाएंगे। ओके ठीक है। ये पालने के लिए या फिर खाने के लिए? खाने के लिए। हाउ मच फॉर वन? 100। मैं हूं साकिब खुर्शीद, नागालैंड के पहले व्लॉग में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा पहला दिन है नागालैंड की दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द फूड, द कल्चर एंड द डाइवर्सिटी ऑफ नागालैंड। मौसम बहुत ही सुहाना है। मैं कल ही शिलोंग से आया हूँ, शिलोंग में काफी ज्यादा ठंड थी। यह है मेरा ब्रेकफास्ट, एग्स, ब्रेड, टी एंड बटर। प्रेफर कीजिए कि आप हमेशा ब्राउन ब्रेड लें, ठीक है, बिकॉज इसमें शुगर की क्वांटिटी कम होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी हम जा रहे हैं नागालैंड के सबसे डेंजरस मार्केट, जिसका नाम है सुपरमार्केट। अब डेंजरस क्यों? क्योंकि ये वही मार्केट है जहाँ पे डॉग्स, इंसेक्ट्स, रैट्स और भी काफी एनिमल्स मिलते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। कितने का मिलता है 1 kg? 500 रुपए का। फिर कैसे बनाते हैं इसको? बॉईल करके खाना है। बॉईल करके पानी फेंकेगा। अच्छा, उसके बाद में सब्जी पका के खाना है। सूप पका के खाना है? सूप नहीं है, सूप फेंकना है और इसको खाना है। और इसको सिर्फ 1 लाख खाएगा। अच्छा, लहसुन डालेगा, किंग चिली डालेगा, ग्रीन चिली के साथ? अच्छा, किंग चिली लगाएगा। अच्छा लगाएगा। अच्छा लगाएगा। ओके, सुखा खाएगा। इसका इसे वो माथा है ना, हाँ, सिर है उसको फैलाएंगे। ओके, उसके बाद में टमाटर लगाएगा, पसंगा नगा लोग खाते है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका लगाएगा, नमक लगाएगा, राजा मिर्चा लगाएगा ना, उसके बाद में सूखा अपने के खत्म, अदवा लगाएगा, लहसुन लगाएगा। How much for this? Pier 300. ये पालने के लिए या फिर खाने के लिए? खाने के लिए। कैसे खाते हैं इसको? मतलब उबाल के खाना है या फिर पकाना है इसको? पकाना है। फ्राई करते हैं इसको? सूप भी खाता है। How much for one? 100 rupees. Haan. For one packet. Haan. Yeah. How do you how to cook it? English, I don't know. You don't know English? English, I don't know. फ्रॉग को कैसे खाते हैं? फ्राई करके या फ्राई भी और बॉईल करके भी? ये कितने का मिलता है फ्रॉग? 150 का। कितना? ओके।
डॉग डॉग वन पीस 4,000-3,500 4,000-3,500 इसको बनाना कैसा है फिर कुक कैसे करना है इसको हिंदी मालूम नहीं हाउ डू यू कुक द डॉग कुकिंग हाउ अच्छा अच्छा फ्राई और बॉइल फ्राई करके हाँ थैंक यू सो मच व्हाट्स योर नेम अगुई थैंक यू अगुई रैप इट यह है नागालैंड का सबसे फेमस चिली इसे कहते हैं किंग चिली ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है बहुत ज्यादा क्या होता है इसमें स्पाइसी अच्छा बहुत ज्यादा यह है रंजीत साहब कॉबलर है जूता सिलने का जूता पॉलिश करने का काम करता है रंजीत साहब कहाँ से हैं आप बिहार से आप यहाँ कैसे आ गए इतनी दूर नागालैंड जी मेरा पापा यहाँ पे काम करते थे अच्छा पापा आपके यहाँ पे काम करते थे काम कैसा चल रहा है यहाँ पे ठीक है अच्छा ये बताओ दीमापुर किस चीज के लिए फेमस है यहाँ पे वैसा कुछ फेमस जगह है अच्छा कोई फेमस जगह नहीं है अच्छा ये बताओ नागालैंड के लोग कैसे हैं अच्छे हैं आप खुद भी अच्छे हैं माशाल्लाह आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे भी थैंक यू ब्रदर थैंक यू सो मच आई रियली लव यू शूज मेरे काफी गंदे हो गए थे रंजीत साहब ने एकदम चकाचक नए बना दिए थैंक यू रंजीत साहब अभी है हम नागालैंड के सबसे फेमस हांगकांग मार्केट में और ये है मेरे भाई शारुल इस्लाम क्या करते हैं मैं बस इसी शूज का बिजनेस या शूज का बिजनेस बहुत बढ़िया आप एक्चुअल में कहाँ से हैं हम तो असम का है असम और मेरा यहाँ पर लिविंग है लेकिन असम में रहता हम लोग का घर है अच्छा करीमगंज स्ट्रीट ठीक है ये हांगकांग मार्केट में काफी के बारे में काफी सुना है किस चीज़ के लिए फेमस है ये देखो यहाँ पर तो छोटा मोटा हर चीज़ भी चलता है और अच्छा हमारा हर सामान भी चलता है जैसे कपड़ा वगैरह शूज अच्छा और मतलब हर चीज़ भी मिलता है यहाँ पर हर चीज़ मिलता है वो भी सस्ते दाम सस्ते में मतलब आपको जो भी मतलब आपका अगर आप मार्केट में अगर हज़ार का अंदर भी अगर बजट में चाहिए अच्छा आपको एक तो पेंट भी लेना है हाफ पेंट भी लेना है अच्छा आपका हज़ार का अंदर शूज हाफ पेंट लॉन्ग पेंट शर्ट जो भी चाहिए आपको हज़ार के अंदर भी चाहिए बजट के इनके कहने का मतलब है हज़ार रुपये में आपको शूज़ भी मिलेगा ट्राउजर भी मिलेगा प्लस आपको टी शर्ट भी मिल सकती है तो मतलब 200 का अंदर भी 250 200 का अंदर में बजट में आपको टी शर्ट मिल जाएगा 250 के बजट में आपको टी शर्ट भी मिलेगा वो भी फर्स्ट कॉपी है कॉपी नहीं कॉपी है सेकंड कॉपी ओरिजिनल कॉपी तो नहीं मिलेगा ओरिजिनल तो नहीं कॉपी मिलेगा फर्स्ट कॉपी मिलेगा थैंक यू सो मच ब्रदर ओके बहुत अच्छा लगा ठीक है थैंक यू सो मच प्लेजर इज ऑल माइन ओके ओके Thank you.
ये है यहाँ के लोकल, क्या नाम है आपका? एंड्रयू। एंड्रयू, एंड्रयू साहब ऑटो चलाते हैं, कितने सालों से आप ऑटो चला रहे हैं? अभी करीब मेरा 15 साल हो गया। 15 साल। एंड्रयू साहब, लोकल्स क्या काम करते हैं यहाँ पे? सर यहाँ में लोकल हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई कोई गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा। कोई कोई बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। कोई कोई ऑफिशियल भी है। अच्छा। सब ऐसे है सर। अच्छा, जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा है या फिर लोकल्स यहाँ पे ज्यादा? नहीं नहीं, यहाँ में बाहर का लोग भी है सर। अच्छा, बाहर का लोग भी है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड्रयू साहब, आपके घर पे कौन कौन है? सर मेरा बीबी है, मेरा बच्चा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा दो बच्चा है। दो बच्चा है। बीवी कितना है? बीबी एक है। एक ही है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा एंड्रयू साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अभी हूँ मैं नागालैंड के स्ट्रीट टावर के सामने और यहाँ मैं आया था स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने, पर अनफॉर्चुनेटली मैं वो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ हर चीज में पोक ऐड किया हुआ है और चीजें हलाल नहीं है। कोई इशू नहीं, कल हम गुवाहाटी जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल से हम गुवाहाटी एक्सप्लोर करेंगे और गुवाहाटी का फूड भी। रिमेम्बर, मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, मेरा मोटिव है आपको लोगों का कल्चर दिखाना, आपको लोगों के ईटिंग पैटर्न से अवेयर कराना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मेक श्योर आप डे टू डे बेसिस पे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और हेल्दी खाना खा रहे हैं।